फ्रेंड वेलकम बैक टू दी माइंड न्यू ब्लॉग। अभी मैं पहुंच चुका हूं चेन्नई। अभी मैं अपने हूं होटल रूम में। अभी मैं जा रहा नहा धोके हो गया ऑलरेडी। दीन भाई सुबह से अभी टाइम हो चुका है 11:30। अभी तक भाई नहाए धोए भी नहीं है। जल्दी जा भाई नहाने, बहुत सुस्त है भाई। अभी तक हम लोग कुछ खाए पिए भी नहीं। ये अभी मैं अपने होटल रूम में। आप ठीक है? नॉर्मल है, ठीक है, रहने लायक, बहुत बढ़िया भी नॉर्मल है। ये है मेरे होटल की गली। अभी हम चलते हैं चाय पीने। हम लोग का होटल क्वांची। भाई हो गए रेडी, हो जाओ नहा धो के, चमक चुके हैं। अभी हम लोग चलते हैं, हाँ निकाल दो। अब हम लोग चलते हैं नाश्ता करवाई। अब और हो जाओ, चलो हम लोग चलते हैं नाश्ता। अभी टाइम हो चुका है 12:00 और हम लोग जा रहे हैं अभी नाश्ता करने। सुबह से अभी हम लोग कुछ खाए नहीं, लगा है बहुत जोरों से भूख। रोजा भाई हम लोग घुमा रहे, पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं नाश्ता कराने। अभी हम लोग चेन्नई की गलियों में टहल रहे हैं। यहाँ को समझ ही नहीं आ रहा है खाने को क्या खाया जाए, बहुत ही कन्फ्यूजन है भाई साहब। कहाँ खाओगे गरीब, कहाँ खाओगे? तुमको यहाँ समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। पानी को यहाँ तनी बोले तनी। प्लेट सर्व किया गया है, प्लेट के ऊपर फूलने का पत्ता लगा हुआ है। रोजा भाई मेरा बता रहा है कि ये कंपलसरी है, बिना केला के पत्ते के यहाँ प्लेट सर्व नहीं। चिकन बिरयानी आ चुका है, अब हम लोग सर्व करते हैं केले के पत्ते पे और देखते हैं उसका स्वाद कैसा है। हमारा रोजा भाई स्टार्ट हो चुका है सुबह से भूखा है, इसकी पटी पड़ी है, पटा पड़ी है, देखे निकालने पड़ा है। दिया खाने को टेस्ट, फिर बताते हैं खाना कैसा हो। अभी हम लोग निकल चुके हैं अपने होटल रूम से मवाइन ड्राइव के लिए। रोजा भाई क्या कराते हैं, गर्मी है, पैदल चला रहे भाई लोग। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं चेन्नई मेट्रो, देखते हैं कौन सी मेट्रो जाती है मुंबई बीच। सब पहुंच चुके हैं मेट्रो स्टेशन, अब हम लोग को जाना है गवर्नमेंट स्ट्रीट। गवर्नमेंट स्टेट पहुंच चुके हैं, गवर्नमेंट स्टेट। ये है गवर्नमेंट स्टेट, क्या खूबसूरत लग रहा है।
अभी हम लोग पैदल यात्रा करते हुए जा रहे हैं मोइना बीच। अभी देखते हैं कितना दूर है। नए जगह नया लैंग्वेज, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता हुआ हम लोगों को। यहाँ पर हम लोग को समझ में नहीं आ रहा हम लोग को जाना किधर है। यह है न्यू स्टेट गेस्ट हाउस। हम लोग गवर्नमेंट स्ट्रीट से होते हुए अभी हम लोग पहुंच गए। कब मैच इसलिए हम लोग अंदर नहीं जा सकते हैं, बाहर ही चलना। हम लोग पहुंच चुके हैं मोइना बीच। बहुत ही खूबसूरत चलते हैं हम मोइना बीच की तरफ। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं भाई। अभी हम लोग पहुंच गए हैं एकदम मोइना बीच की तरफ जा रहे हैं। क्या आपको यहाँ काफ़ी सारे दुकानें दिख जाएंगे। हम लोग काफ़ी सेक्रीफाइस करते करते पहुँच ही गए बीच के पास। काफ़ी खूबसूरत नज़ारे हैं। यहाँ पे हॉर्स राइडिंग और यहाँ पे काफ़ी सारे दुकानें हैं जो आपको लूटने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करेंगे। कृपया करके आप इन चीज़ों पर ध्यान ना दें, बस आप आए और पैदल जाएं, घूम के वापस अपने रूम को जाएं। नहीं तो यहाँ इतना लूट लेंगे कि आप सोच नहीं सकते। क्योंकि अभी हम लोग भी थोड़ी देर पहले लूट चुके हैं, कुछ पैसा हम लोग को भी ठगा जा चुका है। अब हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं मोइना बीच। बस कुछ ही दूरी बचा है हमारे और मोइना बीच के पास। हमारी गोवा की यादें ताज़ा होती हुई, अभी कुछ दिन ही पहले मैं गोवा गया था। हमारे और मोइना बीच के दरमियान बस कुछ ही फासला रह चुका है। बस अब हम लोग पहुंचने वाला है मोइना बीच। यहाँ गोवा की तरह मज़ा नहीं है, गोवा के नज़ारे कुछ और ही थे। बच्चों को झूलने के लिए काफ़ी तरह के झूले भी लगे हुए हैं। यहाँ अगर बच्चे आते हैं तो काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं बीच पे। काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे हवाएं चल रही हैं। हॉर्स राइडिंग करता हुआ भाई बीच पे, क्या ही खूब नज़ारे हैं। श्री हंस बिकता हुआ काफ़ी ज़्यादा रस है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा भी और हवा बहुत ही तेज चल रही है। फील दिस स्पेस, आप महसूस कर सकते हैं इस जगह। Thank you.
ये मरीना बीच पे इतने गंदगी, ये हम ही आप लोग करना चाहते नहीं भाई। खाते हैं पीते हैं फिर निकलते हैं अपने घूम के टॉप। इसके बाद बाहर चेन्नई घुमाने के लिए पूरा खर्चा रोजा भाई उठा मेरी सारी खामियों पे।